हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रोसेस के बारे में कि रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, हमें डिफाइन करनी पड़ती है प्रॉब्लम, और क्लियरली हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और आर्टिकुलेट करनी पड़ती है प्रॉब्लम, या फिर जो भी हम क्वेश्चन सोच रहे हैं, एम कर रहे हैं एड्रेस करने के लिए, वो हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है। ये इन्वॉल्व करता है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग कि हमें इशू जो है इशू में इशू की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कि हमें इशू के बारे में कितना पता है, और सिग्निफिकेंस कितना पता है हमें कॉन्टेक्स्ट के बारे में, एक एग्जिस्टिंग नॉलेज और प्रैक्टिस के बारे में हमें कितना पता है। और सेकंड फिर हमारा आता है फॉर्मुलेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हमें रिसर्च के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पड़ते हैं, कि हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हम हमारा क्या इंटेंट है इस रिसर्च को करने का, और यही हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सेकंड स्टेप, कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें हमें जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उनको रिव्यू करना पड़ता है। तो इसमें हमें गैदर करनी पड़ती है और रिव्यू करनी पड़ती है एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, जो कि सब जो हमारे रिसर्च से पहले जो रिसर्च हो चुकी है उन रिसर्चों को हमें इकट्ठा करना पड़ता है और रिव्यू करना पड़ता है, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होती है, ताकि हम जान सकें कि क्या चीज किस चीज के ऊपर पहले रिसर्च या स्टडी कर दी गई है, और ये भी आइडेंटिफाई कर सकें कि नॉलेज के अंदर कहाँ कहाँ पे गैप है, और इसकी वजह से हम अपना जो वर्क है उसको हम अपने प्रीवियस वर्क के ऊपर हम अपना वर्क बना सकते हैं। इसमें फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें डेवलप करनी पड़ती है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को। तो हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है थियोरेटिकल बेसिस को और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को, जो कि हमें मदद करता है स्टडी करने के लिए, जो कि बेस होती है एग्जिस्टिंग थ्योरीज और रिसर्च के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ लेते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप आता है डेवलप आ रिसर्च प्रपोजल। तो फिर जब हमने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलप आ रिसर्च प्रपोजल। तो इसमें हमें आउटलाइन बनानी पड़ती है रिसर्च डिजाइन की। तो इसमें हमें क्रिएट करना पड़ता है एक डिटेल्ड प्लान या फिर आउटलाइन करनी पड़ती है जो हमारे रिसर्च के मेथड्स होंगे उनको, और इसमें इंक्लूड करता है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे हम एनालाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। तो हमने जो लिटरेचर को रिव्यू करा था, जो हमने पुरानी रिसर्च को रिव्यू करा था, उनके बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं और अपनी रिसर्च को और ज़्यादा रिफाइन करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डिटरमाइन मेथडोलॉजी। तो फिर हमें स्टेप चूज करने पड़ते हैं कि हम क्या जो अप्रोप्रिएट रिसर्च के मेथड है वो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, वो क्वालिटेटिव मेथड होगा, क्वांटिटेटिव मेथड होगा या मिक्स्ड मेथड होगा, तो हम कौन सा मेथड चूज करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। और फिर हम डिजाइन करते हैं अपनी स्टडी को उसी के हिसाब से, जिस हिसाब से हम मेथड को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उस मेथड के हिसाब से अपनी स्टडी को डिजाइन करते हैं, अपनी रिसर्च को डिजाइन करते हैं। फिर हमारा फोर्थ स्टेप आता है डिजाइन द रिसर्च। तो अब हमें रिसर्च को डिजाइन करना है, इसमें हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं मेथड, इसमें हमें ये चूज करना पड़ता है कि हम कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड या डेटा एनालिसिस का मेथड यूज करेंगे, जैसे कि सर्वे हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, इंटरव्यू हो गया या केस स्टडीज हो गए। फिर हमें डेवलप करने पड़ते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें हमें क्रिएट करने पड़ते हैं या फिर सेलेक्ट करने पड़ते हैं या जो टूल्स होते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जो कि डेटा कलेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे कि क्वेश्चनरीज हो गए, इंटरव्यू गाइड्स हो गए या मेजरमेंट स्केल्स हो गए। फिर हम प्लान करते हैं डेटा कलेक्शन। तो हमें डिटरमाइन करना होता है, हमें ये देखना होता है कि कब कहाँ और कैसे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, और एंश्योर करना पड़ता है कि हम नेसेसरी रिसोर्स
जो है, जो हम नेसेसरी रिसोर्स जो यूज कर रहे हैं वो हमारे रिसोर्स रिलायबल हो। फिफ्थ आता है कलेक्ट डेटा, तो इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिसर्च का प्लान, जो हमने रिसर्च प्लान बनाया था उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और हम डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंगली। रिसर्च डिजाइन, फिर एंश्योर डेटा क्वालिटी, तो हमें ये एंश्योर करना पड़ता है डेटा क्वालिटी के बारे में कि जो हमारा डेटा है वो एक्यूरेट है, रिलायबल है और वैलिडेट भी है वो डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारा सिक्स्थ स्टेप आता है एनालाइज डेटा, तो हमें प्रोसेस और क्लीन करना पड़ता है, हमें डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है एनालिसिस के लिए, इसे एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में करके या फिर उसकी डेटा की कोडिंग करनी पड़ती है ताकि वो जो डेटा है वो एक सही डेटा हमारे सामने बन के आए और जो भी इनकंसिस्टेंसीज होती हैं या फिर मिसिंग वैल्यूज होती हैं इसके लिए हम प्रोसेस करते हैं डेटा को। फिर हम जब डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद हम एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं, तो हम स्टेटिस्टिकल या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड को यूज करके अपने डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैटर्न्स को, रिलेशनशिप को और ट्रेंड्स को अपने डेटा में से। फिर कंपेयर करते हैं हम रिजल्ट को हाइपोथेसिस के अनुसार या फिर रिसर्च क्वेश्चन के अनुसार। तो हमें जब हम डेटा को एनालाइज कर लेते हैं तो हमें असेस करना पड़ता है कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो हमारी हाइपोथेसिस से कितने मिलते जुलते हैं या नहीं, या फिर जो हमारी जो रिसर्च का क्वेश्चन है उससे जो हमारे रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। सेवेंथ स्टेप आ जाता है इंटरप्रेट फाइंडिंग, तो इसमें हमें जो भी फाइंडिंग होती है उन्हें इंटरप्रेट करना पड़ता है सेवेंथ स्टेप में। इसमें सबसे पहला स्टेप हम करते हैं ड्रॉ कंक्लूजन, तो इसमें जो भी हमारा एनालिसिस आया उसके आधार पे हम कंक्लूजन्स निकालते हैं कि हमारा जो रिसर्च जो कंक्लूजन निकालते हैं जो कि हमारे रिसर्च क्वेश्चन या फिर रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है डिस्कस इम्प्लीकेशन, तो हमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो सिग्निफिकेंस है हमारी फाइंडिंग्स का और हमारी इम्प्लीकेशंस का थ्योरी के लिए प्रैक्टिस के लिए या फिर फर्दर रिसर्च हमें करनी है, या तो वो थ्योरी की फाइंडिंग्स हमें और निकालनी है या फिर हमें वो तो थ्योरी है उसकी हमें प्रैक्टिस देखनी है या फिर हमें फर्दर रिसर्च करनी है, ये हम देखते हैं इस स्टेप में। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटेशंस, तो हम जो भी लिमिटेशंस होंगी उन्हें एक्नॉलेज करेंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी कंस्ट्रेंट्स होंगे हमारी स्टडी में जो हमारी रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते थे उन्हें भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हमारा एट्थ स्टेप आता है कम्युनिकेट रिजल्ट, तो हमें रिजल्ट फिर कम्युनिकेट करने पड़ते हैं एट्थ स्टेप में। इसमें हमें रिसर्च की रिपोर्ट बनानी पड़ती है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम रिसर्च प्रोसेस का, फाइंडिंग का और कंक्लूजन का, जिससे कि हम स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट और पेपर बना सकते हैं। इसमें हमें जो फाइंडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट करनी पड़ती हैं और हमें शेयर करनी पड़ती है अपनी रिसर्च अपनी एकेडमिक कम्युनिटी को, अपने कॉलेज को या अपने जो प्रोफेसर होते हैं उनको हमें ये बताना होता है, और इसकी वजह से हम रेलिवेंट स्टेक होल्डर के थ्रू प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और कन्फ्रेंस कर सकते हैं और पब्लिकेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिश रिजल्ट, तो इसमें हमारी जो रिसर्च होती है जो एकेडमिक जर्नल्स होते हैं या बुक्स होती हैं उसमें हम अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं और जो भी दूसरी मीडिया होती है उसमें हम अपनी रिसर्च को बताते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है नाइन्थ स्टेप रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू, तो जो भी हमने इवेल्युएट करा है रिसर्च प्रोसेस में वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च प्रोसेस के थ्रू और असेस करते हैं जो कि हमारा जो हमारी रिसर्च में आया है उसको। नेक्स्ट हमारा आता है कंसीडर फ्यूचर रिसर्च, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं जो भी पोटेंशियल एरिया होते हैं जो कि जिनके ऊपर हमें फर्दर रिसर्च करनी पड़ेगी या फिर हम फॉलो अप करते हैं जो हमारी स्टडी है उसके आधार पे कि हमारी फाइंडिंग्स क्या रही और हमारी लिमिटेशंस क्या रही। फिर हमारा लास्ट स्टेप आता है
ये हमारा लास्ट स्टेप था रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। तो एक बार हम देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं रिसर्च प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर हमें जो हमने फिर आइडेंटिफाई करने के बाद जो पुरानी रिसर्च हो चुकी है टॉपिक के ऊपर वो हमें देखनी पड़ती है। थर्ड हमें देखना पड़ता है कि हमें जो रिसर्च का प्रपोजल है वो डेवलप करना पड़ता है। फोर्थ हमें रिसर्च को डिज़ाइन करना पड़ता है। फिफ्थ स्टेप में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सिक्स्थ स्टेप में हम डेटा को एनालाइज करते हैं। सेवेंथ स्टेप में ये देखते हैं कि हमारे डेटा में से क्या हमें आंसर मिले, क्या हमारी रिसर्च क्वेश्चन हमारा आंसर आया उसका रिसर्च क्वेश्चन का। एट्थ आता है कि जो भी आंसर आया उसको हम कम्युनिकेट करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट और रिव्यू करते हैं कि हमें आगे रिसर्च करनी है या नहीं करनी है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।